पहला दिन नहाए खाए होता है और दूसरा दिन खरना होता है, छठ मैया का पूजा करते हैं। तीसरा दिन होता है डूबते सूरज का अर्घ पड़ता है, चौथा दिन उगते सूरज का अर्घ पड़ता है। हम लोग परिवार के खुशी खातिर सुखी खातिर पर्व करते हैं। मांगेंगे परिवार के खुशी, मांगेंगे सुखी रखी, सुखी रखे और शिक्षा रखे, यही सब खातिर आदमी पर्व करता है, और क्या करेगा। इस पर्व को हम बहुत दिन से इंतजार रहता है, हम लोग का करने के लिए बहुत उत्साह मन में रहता है कि कभी क्यों रहता है। इस पर्व को इसलिए हम लोग करते हैं कि हर किसी का घर द्वार सब भरा रहे, परिवार सुख शांति रहे, बाल बच्चा सबका सुख शांति मिले, समृद्धि मिले, इसी कारण इस पर्व को करने के लिए हम लोग को उत्साह रहता है मन में। क्या कामना करते हैं? कामना करते हैं कि मेरा हर घर द्वार सब परिवार सब भरल पूरा रहे। बहुत इंतजार रहता है, बहुत उत्साह से हम लोग एकजुट जुटते हैं और इंतजार रहता है कि खरना होगा, नहाए खाए होगा, हम लोग करेंगे, प्रसाद खिलाएंगे और खाएंगे और सभी लोगों को खिलाएंगे, बांटेंगे और घाट पे जाएंगे, अर्घ देंगे छठी मैया का। बहुत उत्साह हम लोग का रहता है, इस दिन का इंतजार हम लोग को बहुत दिन से रहता है। भगवान भास्कर को आप अर्घ देंगे तो क्या कामना करेंगे? भगवान भास्कर से मैं ही कामना करेंगे छठी मैया से कि हम लोग को सब परिवार को खुशी खुशहाल दे और जो मनोकामना है वो पूर्ण करें। इंतजार इसीलिए रहता है, हम लोग छठ एक सारे फैमिली एक जगह होते हैं तो उसके इसके वजह से अच्छे से छठ पूजा हम लोग मनाते हैं, बहुत उत्साह रहता है। कामना है कि ये छठ पूजा बहुत उत्साह रहता है, सब लोगों को मतलब पर्व में बुलाया जाता है, परिवार जुड़ता है, मनोरंजन लगता है, सब लोग मिलजुल के करते हैं, घाट पे जाते हैं, सुबह शाम सभी सब का अर्घ देते हैं, खरना का प्रसाद भी बनता है और अगले दिन पारण होती है। हाँ, सब लोगों को मन लगता है, मनोरंजन होता है। कामना यही करेंगे कि मेरे परिवार लोगों खुश रहे, खुशहाल रहे, जहाँ भी रहे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, यही मनोकामना। भगवान को तो कामना करते हैं कि हमारे जो है कि पूरा देश में सुखी रहे और काफी रोग व्याध किसी तरह का नहीं आवे, यही हम कामना करते हैं। और हम छठ व्रत इन लोग से भी यही करेंगे कि अपना जो है इस अगला बार हम लोग कोरोना से बहुत काफी कष्ट में थे और इस बार में हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग पूरे सुखी रहें, कोई जो है बड़ बीमारी नहीं आवे और सारे जनता जो है सुखी रहें, और हम यही कामना करें। दिनेश लाल, सिविल कोर्ट, व्यवहार नाले, कर्मचारी सम्मान निक अध्यक्ष।